वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे थे, स्पेशल क्वेश्चंस जो 2021 से जुड़े हैं, एआर क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में। सो लेट्स डिस्कस एआर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एटम्स एंड न्यूक्लियस। सो इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ए आंसर बनाएंगे। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है पर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो बी बनाएंगे। असर्शन ट्रू है पर रीजन फॉल्स है तो हम सी बनाएंगे। असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स है तो हम डी बनाएंगे, और असर्शन फॉल्स है पर रीजन ट्रू है तो हम ई बनाएंगे। सो ये गाइडलाइंस है। पहला है, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज Cl-35 एज अ फ्यूल फॉर फ्यूजन एनर्जी। करेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, और रीजन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Cl-5 इज टू स्मॉल। ओके, फ्यूल फॉर फ्यूजन एनर्जी, ओके, रेडियो एक्टिव हो ना हो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर हम क्लोरीन को ऐड करके जो नया एलिमेंट बनाएंगे तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नए वाले की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए पर न्यूक्लियन कंपेयर टू दिस, तब ये पॉसिबल है। पर हम जानते हैं कि ये 35 क्लोरीन के बाद जो है ये कंडीशन सब फुलफिल, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सीएल इज टू स्मॉल, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, ये रीजन नहीं है। ठीक है, सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। बाइंडिंग एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 1H2 1H2 HE2 4, अगर हम बना रहे हैं इससे कंपेयर करके देखते हैं। फ्यूजन की अगर हम बात करें तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो जरूरी सिचुएशन बनती है, तो एक फ्यूजन रिएक्शन में लिख रहा हूं 1H2 + 1H2 गिव्स HE2 4 प्लस एनर्जी। तो 1H2 की जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है। ठीक है, 1.1 और इसकी होती है 6.6, जो ग्राफ हुआ करता था बाइंडिंग एनर्जी का, उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। तो फ्यूजन में एनर्जी इसलिए निकल रही है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहां कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज सीएल क्लोरीन एज फ्यूल फॉर फ्यूजन एनर्जी। जैसे हमें पता है कार्बन का भी फ्यूजन होता है, हीलियम का भी फ्यूजन होकर कार्बन बनता है, ऐसे कुछ हमको पता है। ड्यूटेरियम का तो हो ही रहा है यहाँ पर, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और यहाँ ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सीएल इज टू स्मॉल, ये रीजन इसलिए गलत हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी स्मॉल है तो ये तो अच्छी बात है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होगी और बाद में दूसरे प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी का जो डिफरेंस है हमें ज्यादा मिलेगा। सो द रीजन बिकम रॉन्ग, दैट्स व्हाई आंसर इज सी। इन्फ्यूजन लाइटर न्यूक्ले आल्सो यूज्ड, यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया है, सो फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल विद Cl-35, आल्सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Cl-35 इज नॉट टू स्मॉल, दोनों रीजन दिया। तो हल्के न्यूक्ले यूज करते हैं। सेकेंड है, असर्शन है Strontium-90 फ्रॉम द रेडियो एक्टिव फॉल आउट फ्रॉम ए न्यूक्लियर बॉम्ब एंड्स अप इन द बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू द मिल्क कंज्यूम बाय देम। ओके, Strontium-90 जो है रेडियो एक्टिव फॉल आउट से जो निकला है वो उससे खत्म होता है जो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। इट कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये जानकारी मुझे तो नहीं है, अभी इस क्वेश्चन के थ्रू ही मिलेगी। रीजन दिया था एनर्जेटिक्स बीटा पार्टिकल, एनर्जेटिक्स नहीं होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, द एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द डिके ऑफ Strontium-90 डैमेज द बोन मैरो। क्वाइट पॉसिबल। सो
एंड्स अप इन बोन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स थ्रू द मिल्क कंज्यूम बाय देम. इट कॉजेज इंपेयरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो ये एक तरह से जानकारी हमें मिल गई क्योंकि इसका आंसर इन्होंने ए दिया हुआ है. इट मीन्स ऐसा होता है. तो assertion भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है कि स्ट्रॉन्शियम 90 जो है वो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का सोर्स है और वो बोन मैरो को डैमेज करता है. सॉल्यूशन स्ट्रॉन्शियम 90-38 डिकेस टू वाई से क्या बनता है आपको पता होगा बाय द एमिशन ऑफ बीटा रेज. स्ट्रॉन्शियम गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन बोन्स अलोंग विद कैल्शियम. रीजन इज आल्सो ट्रू. ओके, मिल्क से कैल्शियम मिलता है और उसके साथ ये स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है. तो स्ट्रॉन्शियम जो है आदमी के अंदर कैसे पहुंचा उसका कारण बताया. मिल्क जो कंज्यूम किया उसके साथ पहुंच गया, कैल्शियम के साथ एब्जॉर्ब हो गया और फिर वो जाकर बोन मैरो को अफेक्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्शन है न्यूट्रॉन्स पेनेट्रेट मैटर. अच्छा, इन क्वेश्चन से घबराना मत, ये जो दो क्वेश्चन आ गए एक्चुअल में ठीक है, बनाने जिसने बनाए हैं बना दिए अच्छी बात है, पर आपके एग्जाम में जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है वो नहीं मिलने वाला है. सो डू नॉट गेट पैनिक. ठीक है, अच्छी बात है, कुछ सीखने को हमें यहाँ से मिल रहा है. सो बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड, हमें सीखने को मिला, ये अच्छी बात है. सो क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन्स पेनेट्रेट मैटर मोर रेडिली एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन की पेनेट्रेशन पावर प्रोटॉन से ज्यादा होती है. नो डाउट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ये इसलिए इजिली पेनेट्रेट कर जाएगा. प्रोटॉन तो रिएक्ट करेगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो इजिली पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा. रीजन, न्यूट्रॉन्स आर स्लाइटली मोर मैसिव देन प्रोटॉन. जो रीजन है वो ये नहीं है, रीजन ये है कि न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसकी वजह से वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा. जबकि रीजन है तो करेक्ट, पर असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज बी. सॉल्यूशन, न्यूट्रॉन इज अबाउट 0.1 मोर मैसिव देन प्रोटॉन, बट द यूनिक थिंग अबाउट द न्यूट्रॉन इज दैट while it is heavy, it has no charge. It is neutral. This lack of charge gives it the ability to penetrate matter without interacting as quickly as the beta particles or alpha particles. Question number 5 है, assertion है, radioactive nuclei emit beta particles. ठीक है, कोई problem नहीं, emit कर सकता है. Electron exists inside the nucleus. ये गलत है. That's why answer is C. Electron जो है nucleus के अंदर नहीं है, वो पॉली ने बताया था हमको, या तो न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन में या प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में, तब ये एमिट होते हैं. तो दोनों रिएक्शन से आपकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए. मैं लिख देता हूं यहां पर दोनों रिएक्शन जो पॉली ने समझाई थी, एक्सप्लेन की थी. अगर एक न्यूट्रॉन वो ब्रेक होता है तो प्रोटॉन, नेचर भी इस रिएक्शन को सपोर्ट करता है, प्लस यहां पर निकलेगा बैलेंसिंग के लिए बीटा पार्टिकल, जिसको हम बीटा माइनस कहते हैं, -1, 0, मास नेग्लिजिबल है उसका, इसलिए. तो अभी देख रहे हैं आप, इक्वेशन तो बैलेंस हो गई, -1, +1, 0 और ऊपर 1. साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी रिलीज होती है. दूसरी रिएक्शन जो नेचर में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है और न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, नेचर इसको सपोर्ट नहीं करता. प्रोटॉन का टूटना एक न्यूट्रॉन में और बीटा प्लस, इसको हम कहते हैं बीटा प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन. तो अभी देख रहे हैं बैलेंसिंग हो गई मास की और चार्ज की, और यहां निकलता है न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी. तो नेचर जो है सपोर्ट करती है ऊपर वाली रिएक्शन. तो बीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन था नहीं न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन में या प्रोटॉन टूटा न्यूट्रॉन में, तब ये एग्जिस्टेंस में आया.
न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन. इफ एन बाय पी रेशियो इज मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू देन ए न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन फॉर्मिंग ए बीटा माइनस पार्टिकल इन द प्रोसेस. सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस बट दे रिजल्ट इन सम न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. असर्शन है एक्स जेड ए अंडरगोस 2 अल्फा डीके 2 बीटा डीके एंड 2 गामा डीके एंड द डॉटर प्रोडक्ट इज जेड माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 ए माइनस 8. तो हम देख रहे हैं कि 2 अल्फा अगर निकल जाते हैं तो He2O4 नीचे कितना कम हो जाना चाहिए. मैं इसको लिखकर बता देता हूं आपको. यहां लिखा है सॉल्यूशन, इससे वेरीफाई कर लेते हैं. तो XZA He2O4 और कितने हैं, 2 हैं, प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा. तो क्या बैलेंस हो रही है इक्वेशन. नीचे हम देख रहे हैं 2 और 2 4 हो जाएंगे नीचे, और 2 माइनस के हो जाएंगे तो 4 में से 2 कम हो गए. तो 2 कम हो गए इसलिए Z माइनस 2, तो Z में से 2 ही कम हुए. ठीक है, नीचे का बैलेंस हो गया चार्ज वाला पार्ट. मास वाला पार्ट देखते हैं, ऊपर 8 है तो 8 कम हो रहे हैं. ओके, बैलेंस हो गया. सो असर्शन इज करेक्ट. रीजन इन अल्फा डीके, ये ए को आप अल्फा पढ़ लें, अल्फा डीके द मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2. इन बीटा डीके मास नंबर रिमेंस अनचेंज बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. करेक्ट है. और गामा डीके अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो नो चेंज. नेक्स्ट है 7th असर्शन, डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियर इज सेम. करेक्ट, हमने चेक भी किया थ्योरी में, क्योंकि इसमें ए कट जाता है तो डेंसिटी सभी न्यूक्लियर की सेम होती है. रीजन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर. और आपको इस रिलेशन से फैमिलियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है R0 a^3, जहां पे R0 को हम बोलते हैं एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट, 1.1 × 10⁻¹⁵. 1.2 फर्मी होता है, 0.1 दिया है तो कोई बात नहीं, 1.2 फर्मी मेरे को याद है. और ए मास नंबर है. सो करेक्ट, और रीजन भी करेक्ट. 8th क्वेश्चन है आइसोबार्स. नाम से हम याद रख सकते हैं इसको, आइसोबार्स, भार्स. आइसो यानी सेम, तो एक समान भार वाले. आर द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. करेक्ट, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. करेक्ट है स्टेटमेंट, पर इससे लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, इसलिए आंसर बना बी. 9th क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, ए पार्टिकल को आप समझे अल्फा पार्टिकल, वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ. फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है एटॉमिक न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच, जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, वो वेरीज विद डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग वेरी करता है. जैसे जैसे पास जाएगा वो बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. करेक्ट स्टेटमेंट. रदरफोर्ड डिड ए पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. बच्चों एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे गीगर और मार्सडन, उन्होंने किया था. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट, दिस रीजन इज करेक्ट, सॉरी रीजन इज रॉन्ग. रदरफोर्ड ने सेट किया था एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ रहा है. ठीक, इन्होंने आंसर दिया है बी. रदरफोर्ड कंफर्म्ड द रिपल्सिव फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल ड्यू टू न्यूक्लियस वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड दैट द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम. ये कह रहे हैं असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो सॉल्यूशन यहां दिया उसके हिसाब से. पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड की गाइडेंस में हुआ था, पर रदरफोर्ड ने नहीं किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था गीगर और मार्सडन ने. सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है बनना चाहिए सी. नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज अ रेडियस ऑफ ऑलमोस्ट 10⁻¹⁵ मीटर. इसको आप पावर में ले जाएं, जिसको हम फर्मी कहते हैं. तो न्यूक्लियस की रेडियस इतनी होती है. ठीक है, करेक्ट है. रीजन दिया है इन्हें अल्फा पार्टिकल
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर ए पार्टिकल इज ऑर्डर ऑफ 10^-15 मीटर्स कोई पावर में ले जाए। तो एक्चुअल में वहां -40 निकल के आती थी तो ऑर्डर निकाल लिया रफली इसको, तो उसे मतलब न्यूक्लियस से टकरा तो सकता नहीं फिजिकली, तो इसलिए हमने माना था। तो करेक्ट है एक्सप्लेनेशन, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला था। सॉल्यूशन पे गौर करते हैं। इन ए पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड फाउंड ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच वर स्कैटर्ड बैक थ्रू एन एंगल अप्रोचिंग टू 180 डिग्री। कुछ किताबों में लिखा है 8000 में से कोई एक, केमिस्ट्री की किताबों में 10000 में से कोई एक ऐसा लिखा है। वो लॉट आता है 180 डिग्री से स्कैटर होकर, यानी जैसे तोपची ने गोला दागा और गोला जो है वापस आकर तोप को ही उड़ा दे, तो डेंस पार्ट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम। उसी से पता चला था, यानी एस्टिमेशन हुआ था न्यूक्लियस के साइज का, न्यूक्लियस की प्रेजेंस का। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द प्रपोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विल बी पैराबोलिक। क्लासिकल थ्योरी ऐसा कहती है, ऐसा तो नहीं कहती क्लासिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि भाई जो चक्कर लगा रहा है तो घूमता घूमता स्पाइरल पाथ में गिर जाएगा अंदर, ये कहती है क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि उसमें सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन एनर्जी लूज करेगा। रीजन, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड पार्टिकल कंटिन्यूअसली एमिट्स रेडिएशन। आपस में कोई लिंक नहीं है, तो करेक्ट आंसर ई बनाया गया। सॉल्यूशन यहां पर है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज कंटिन्यूअसली रेडिएट एमिशन एमिट्स रेडिएशन एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हेंस दे विल बी losing their energy continuously and the orbital radius will go on decreasing and form a spiral and finally the electron will fall on the nucleus. Next, question number 12. Electrons in the atom are held due to Coulomb forces. ठीक है, साथ में centripetal force का जिक्र हम कर सकते हैं। Reason, the atom is stable only because of centripetal force due to Coulomb law is balanced by the centrifugal force. Centripetal force कभी भी centrifugal force से balance नहीं होता, क्योंकि centripetal और centrifugal action reaction pair की तरह काम करते हैं, different objects पे काम करते हैं। जैसे action reaction आपस में एक दूसरे को balance नहीं कर सकते, वैसे centrifugal centripetal को balance नहीं कर सकता। That's why answer is C, क्योंकि reason जो है correct statement नहीं है। According to postulate of Bohr's atomic model, the electron revolve round the nucleus in fixed orbit of definite radii. As long as the electron is in certain orbits, it does not radiate any energy. ठीक है, stability का reason बताया। 13, assertion है, the electron in the hydrogen atom passes from energy level n equal to 4 to the n equal to 1 level. 4 से 1 में आ रहा है, यानी Lyman series की बात हम कर रहे हैं। The maximum minimum number of photon that can be emitted are 6 and 1 respectively. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, बोर्ड में तो आया हुआ है, रिपीटेडली आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, और कंपटीशन में भी आपसे पूछते हैं। तो ये आप उसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट लिख लिख कर भी निकाल सकते हैं कि ये 6 कैसे हुए, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में आना है, देन 6 कैसे हुए। तो यहां पर देख लेते हैं हम, सपोज दिस इज 1, 2, 3, 4, अब 4 से आना है 1 में, तो पहला ट्रांजिशन ये हुआ और इसमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा हाईएस्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से जाए और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। 6 बताया है तो 6 कैसे देखेंगे हम, 4 टू 3
3 to 2 वो मिसिंग है, 3 to 2 देन 2 to 1, तो अब हो गए कुल मिलाकर 6, 6 फोटोन हमको मिल रहे हैं इसमें इस तरह से। सो मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन 6 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, करेक्ट है। रीजन द फोटॉन्स आर एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, ये भी करेक्ट है, पर 6 ही क्यों और 1 ही क्यों वो लिंक नहीं हो पा रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन इज गिवन बाय ऑल द ट्रांजिशन पॉसिबल, 4C2 से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 4C2 इक्वल टू 6। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन इज 1, दैट इज डायरेक्टली जंप फ्रॉम 4 to 1। 14th क्वेश्चन है, assertion, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम हैज मेनी लाइन्स, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रांजिशन कर रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग लाइन मिल सकती है हमको, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फोन सीरीज की लाइन्स, और अगर केमिस्ट्री में चले गए तो हम्फ्री भी आ गए। रीजन ओनली लाइमन सीरीज इज फाउंड इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेयर इज इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑल द सीरीज आर फाउंड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो वो है ही 1 में है खाली, तो जब भी जाएगा 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में जाएगा तो सिर्फ लाइमन सीरीज मिलेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब, और एमिशन स्पेक्ट्रम में बाकी सारी सीरीज मिल जाएंगी, पर इससे कोई लिंक नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। व्हेन द एटम गेट्स एप्रोप्रिएट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड देन दिस इलेक्ट्रॉन राइजेस टू सम हायर एनर्जी लेवल, ऊपर वाले लेवल में जाएगा। नाउ इट कैन रिटर्न आइदर डायरेक्टली टू द लोअर एनर्जी लेवल टू कम टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल आफ्टर पासिंग थ्रू अदर लोअर एनर्जी लेवल्स। Hence, all possible transition take place in the source and many lines are seen in the spectrum. 15th assertion, it is essential that all the lines available in the emission spectrum will also be available in the absorption spectrum. क्या ये जरूरी है? Spectrum of hydrogen atom is only absorption spectrum. ऐसा भी नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एमिशन ट्रांजिशंस कैन टेक प्लेस बिटवीन एनी हायर एनर्जी लेवल एंड एनी एनर्जी लेवल बिलो इट, व्हाइल एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल ओनली एंड मे एंड एट एनी हायर एनर्जी लेवल, हेंस नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन टू गिवन एनर्जी लेवल्स इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशन बिटवीन द सेम टू लेवल्स। ये कंसेप्ट हो गया जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड में एज वेल एज कॉम्पिटिशन में, तो इसको दोबारा से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन टू गिवन एनर्जी लेवल्स इज ऑलवेज लेस, एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन जो है हमेशा कम होंगे किससे, एमिशन ट्रांजिशन सेम टू लेवल्स के लिए। 16th assertion है, For the scattering of alpha particle at a large angle, only the nucleus of the atom is responsible. Correct? Nucleus is very heavy in comparison to alpha particle, तभी वो 180 degree से bend करके उसको भेज रहा है और खुद unaffected रह रहा है, हिलता भी नहीं है। 50 गुना से भी ज्यादा भारी होता है। जब हम alpha particle scattering experiment की बात करते हैं, इसमें gold nucleus लिया था, तो gold nucleus alpha particle के comparison में 4 और 200, 197 था वहां पे, तो लगभग 200 माने तो 4 और 4 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 200 आता है, 50 गुना ज्यादा भारी होता है। We know that an electron is very light particle as compared to an alpha particle, hence electron cannot scatter the alpha particle at large angles. According to law of conservation of momentum, on the other hand, mass of nucleus is comparable with the mass of alpha particle, hence only the nucleus of atom is responsible for scattering of alpha particle. 17th क्वेश्चन है, ऑल द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन लेड, सही है, ऐसा हमने पढ़ा है,
क्योंकि लेड है स्टेबल, बाकी उसके बाद सब 82 के बाद जो है अनस्टेबल हो जाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वो लेड आर अनस्टेबल, जरूरी नहीं है कि सभी अनस्टेबल हों। हाँ, उनमें से कुछ रेडियो एक्टिव हैं, हाँ, और फाइनली लेड में कन्वर्ट होते हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज सी। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर हैवियर देन लेड आर रेडियो एक्टिव। दिस इज बिकॉज इन द न्यूक्लियर ऑफ हैवी एटम्स बिसाइड द न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेज, रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द प्रोटॉन्स आर ऑल्सो इफेक्टिव एंड दीज फोर्सेज रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। एज द न्यूक्लियाई ऑफ हैवियर एलिमेंट्स आर बींग कन्वर्टेड इन टू लाइटर एंड लाइटर एलिमेंट्स बाय एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। वेन दे आर कन्वर्टेड इन टू लेड द एमिशन इज स्टॉप बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ लेड इज स्टेबल, और लेड इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन द रेडियो एक्टिव सीरीज। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर आंसर बी बनाना चाहिए था, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स अबो लेड आर अनस्टेबल, यहां पर भी कह रहे हैं ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर हैवियर देन लेड आर रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ स्टेबल तो हो नहीं सकते, सो डाउटफुल है। अगर सारे ही रेडियो एक्टिव है तो अनस्टेबल होने चाहिए, और सारे नहीं है तो फिर ठीक है। सो यू हैव टू कन्फर्म दैट। अपने केमिस्ट्री की बुक में आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन है अमोंगस्ट अल्फा बीटा एंड गामा रेज अल्फा पार्टिकल हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। गलत है, बिल्कुल गलत है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा में होती है। अल्फा तो सबसे इंटरेक्ट करता हुआ चलता है, उसकी जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल इज हैवियर देन बीटा एंड गामा रेज, ये सही है स्टेटमेंट, बट असर्शन ही रॉन्ग है। दैट्स व्हाई आंसर इज डी। द पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गामा रेज बिकॉज गामा रेज आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी स्मॉल वेव। असर्शन, द आयनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, सही है, बट दे आर पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर, ये भी सही है। सो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस देन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, ठीक है। ये इंटरेक्शन जो है, आयनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस, सिर्फ मास की वजह से नहीं, धीमे चलता है उसकी वजह से है, तो धीमे चलना भी इसमें पार्ट होना चाहिए। बीटा पार्टिकल्स बीइंग एमिटेड विद वेरी हाई स्पीड, बीटा पार्टिकल्स तेज चलते हैं, अल्फा पार्टिकल धीमे चलता है। स्पीड कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स पास वेरी लिटिल टाइम compared to alpha particle and pass very little time near the atoms of the medium, so the probability of the atoms being ionized is comparatively less, but due to this reason their loss of energy is very slow and they can penetrate the medium through a sufficient depth. ye explanation diya. 20th question hai, mass of beta particles when they are emitted is higher than the mass of electrons obtained by other means. ये मुझे नहीं पता, मास तो सेम ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये नई जानकारी है कि बीटा पार्टिकल्स जब वो एमिट हो रहे हैं तो हो सकता है उनका जो काइनेटिक मास है स्पीड के साथ एमिट हो रहे हैं इज हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी मीन से जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। रीजन, बीटा पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर सिमिलर पार्टिकल्स। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, हाँ ये जरूर स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड विद वेरी हाई वेलोसिटी, करेक्ट है, 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक इनकी वेलोसिटी होती है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसा मैं बता रहा था वही बात आ गई, द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज मच हायर कंपेयर टू इज रेस्ट मास, रेस्ट मास से ज्यादा हो जाएगा। एम इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आप लोग फैमिलियर होंगे इस एक्सप्रेशन से। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड बाय अदर मीन्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू सी, so its mass remains nearly m0, but beta particle electron both are similar, okay। ये अच्छी जानकारी है conceptual point of view से। 21th assertion है, radio activity of uranium 108 decayed, कुछ और है ये, radio activity of 108 undecayed radioactive nuclei of half life of 50 days is equal to 1.2 times power 8।
ये कुछ 10^8 होना चाहिए, मिसप्रिंट है कुछ। नंबर ऑफ अनडिकेटेड न्यूक्लियस फ्रॉम अदर मटेरियल विद हाफ लाइफ 60 डेज। अलग अलग हाफ लाइफ है और अनडिकेटेड वो 1.2 टाइम्स है, रेडियोएक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है बच्चों, क्योंकि सिलेबस में इस साल नहीं है, तो आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं और करना चाहें तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हैं। 22 असर्शन, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन ऑफ U-235 आर रेडियो एक्टिव। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बेरियम क्रिप्टन रेडियो एक्टिव नहीं होते, गलत है स्टेटमेंट। द फ्रेगमेंट्स हैव एबनॉर्मली हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो। ये तो देखना पड़ेगा बेरियम क्रिप्टन में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है। फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन फिशन ऑफ U-235 आर रेडियो एक्टिव, ये बोल रहे रेडियो एक्टिव होते हैं, तो बेरियम और क्रिप्टन रेडियो एक्टिव होते हैं, इसका मतलब U-235 में। तो मैंने गूगल किया तो मुझे जानकारी मिल रही है, फिशन प्रोडक्ट्स आर टिपिकली एलिमेंट्स सच एज क्रिप्टन, स्ट्रॉन्शियम, सीजियम एंड बेरियम। द प्रॉब्लम इज दैट न्यूक्लियर फिशन प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो नॉर्मली ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, पर फिशन की वजह से जो आइसोटोप प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके, मतलब ये डायरेक्टली बेरियम क्रिप्टन नहीं, बेरियम क्रिप्टन के आइसोटोप्स होते हैं और वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो फिशन के प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। तो असर्शन इज करेक्ट हियर, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द फिशन ऑफ U-235 आर रेडियो एक्टिव, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन यूरेनियम अंडरगोस फिशन, बेरियम एंड क्रिप्टन आर नॉट द ओनली प्रोडक्ट्स, ओवर 100 डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ मोर देन 20 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव बीन डिटेक्टेड अमंग फिशन प्रोडक्ट्स। All of these atoms are, however, in the middle of the periodic table with atomic numbers ranging from 34 to 58. Because the neutron-proton ratio needed for stability in this range is much smaller than that of the original uranium nucleus, the residual nuclei called fission fragments always have too many neutrons for stability. So, न्यूट्रॉन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो हाई नहीं होगा, फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई होगा, यानी उल्टा हो गया, इसलिए आंसर सी आ रहा है। इफ यू फ्री न्यूट्रॉन्स आर लिबरेटेड ड्यूरिंग फिशन एंड द फिशन फ्रैगमेंट्स अंडरगो ए सीरीज ऑफ बीटा डिकेस ईच ऑफ विच इंक्रीजेस जेड बाय वन। बीटा डिके होगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो एक से बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीजेस एन बाय वन, नंबर कम हो जाएगा। Until a stable nucleus is reached, न्यूट्रॉन का नंबर एक से कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। During decay of the fission fragments, an average of 15 mega electron volt of additional energy is liberated. ये तो पूरी जानकारी ये हुई, तो इसका उल्टा है, हाई नहीं है लो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन होता तो हाई होता। 23rd assertion है, the mass of a nucleus can be either less than or more than the sum of the masses of nucleons present in it. हमेशा less ही होता है, more तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ mass energy में convert हो जाता है जिसको mass defect बोलते हैं। Whole mass of the atom is considered in the nucleus. Meaningless है, तो E. The whole mass of the atom is concentrated in nucleus. Nucleus का mass हमेशा कम होता है, सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियंस, तो यहां मैं करेक्शन कर देता हूं। 24 है assertion, only those nuclei which are heavier than lead are radioactive. Reason, nuclei of elements heavier than lead are unstable. Answer is D, solution, some lighter nuclei are also radioactive. तो ये जो only word लगा दिया इसके लिए objection है इनको, इसकी वजह से answer D बना दिया है, पहले भी discuss किया concept दोबारा आ गया। 25th, in one half life of radioactive substance, more number of nuclei are decayed than in one average life. गलत है, उल्टा है, हाफ लाइफ में तो आधे होते हैं, एवरेज लाइफ में तो पूरे हो जाते हैं।
एवरेज लाइफ इक्वल टू हाफ लाइफ अपॉन एलन टू। तो सही रिलेशन क्या होता है आपको पता है, हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन लैम्डा और एवरेज लाइफ होती है 1 अपॉन लैम्डा। हालांकि ये क्वेश्चन इरेलेवेंट हो गया, इसके लिए मैटर नहीं करता, इसको आप छोड़ सकते हैं हाफ लाइफ एवरेज लाइफ को, 2021 में नहीं है और वैसे प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। 26, न्यूक्लियस ऑफ द एटम डज नॉट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स येट इट एमिट्स बीटा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स येट इट एमिट्स बीटा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रीजन दिया, इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्सचेंज मेसॉन्स फ्रीक्वेंटली। रीजन इससे लिंक नहीं है पर आंसर डी क्यों बोला है उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी यही कह रहे हैं, येट इट एमिट्स बीटा पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सही है। द न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट एक्सचेंज मेसॉन्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो डी ऑप्शन हम कब चुनते हैं? यहां पर अगर हम जाएं, मैं ज्यादा ऊपर चले गया, डी ऑप्शन हमने कब चुना है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स के लिए सी चुनते हैं। सो हियर असर्शन तो करेक्ट है, तो यहां पर डी नहीं होगा आंसर, यहां पर आंसर होगा सी, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ द एटम डज नॉट कंटेन, अगर यहां लिखा होता कंटेन इलेक्ट्रॉन्स तो ये गलत होता, तो अभी ये करेक्शन करना पड़ेगा, मिसप्रिंट मान ले हम। बच्चों ये हमने 26 क्वेश्चन किए, लगभग 26 क्वेश्चन असर्शन रीजन ए आर बेस्ड एटम्स एंड न्यूक्लियस पर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लूंगा, टिल देन हैप्पी लर्निंग।